अभिमन्यु की एक बात हम लोगों को हमेशा एक शिक्षा देती है कि हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। क्लास को स्टार्ट करूंगा और आज कवर करेंगे हम सभी 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर है और क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे चलता है। और क्लास अच्छा लगता है तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना, एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? और यह मनाया जाता है आप सभी का 28 जुलाई यानी आज के दिन ही हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। याद रखिएगा, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो है वो हम सभी 28 जुलाई को मनाते हैं, यानी कि आज का दिन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उद्धम सिंह के जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखा गया है, वो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम बताना है। पुस्तक का नाम क्या है? सूरज काटे मर्दानी। अब एक बात, पुस्तक का नाम आपने देख लिया और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो बलदेव सिंह सदा कमाना के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अब एक बात सुन लो, उद्धम सिंह कौन थे? बहुत जन को पता भी होगा, उद्धम सिंह वो इंसान थे जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था ना, तो उस गोली कांड में एकमात्र इंसान यही बच गए थे और 21 साल के बाद उस इंसान को इन्होंने गोली मारा था जिन्होंने ऑर्डर दिया था बहुत सारे बेकसूर लोगों को गोली मारने का। नाम क्या था उस जनरल का? तो याद होगा आप सभी को, जनरल ओ डायर। ब्रिटेन में जाकर इन्होंने गोली मारा था किसको? जनरल ओ डायर को, उद्धम सिंह क्रांतिकारी, दलित के क्रांतिकारी नेता भी बोला जाता है इनको। याद रखिएगा, उद्धम सिंह के बारे में आप सभी को जानना भी चाहिए, बहुत रोचक कहानी है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने एक योजना है, उस योजना का नाम क्या है? मधुबाबू पेंशन योजना। इस योजना के तहत ना जितने भी ट्रांसजेंडर है उनके समुदाय को भी शामिल किया गया है, गरीब बुजुर्ग और अलग अलग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्त सहायता प्रदान करता है यह योजना। योजना का नाम क्या है? मधुबाबू पेंशन योजना, यह याद रखिएगा। और इस योजना के अंदर जितने भी असहाय लोग हैं उनको तो पेंशन दी ही जाएगी, साथ में जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं ना उनको भी दी जाएगी। और यह योजना कहां पर लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर आपका बी। और उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, राजधानी भुवनेश्वर, और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और उड़ीसा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? मोहम्मद रफीक, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क और सैनिटाइजर के वितरण के लिए किस बैंक का राष्ट्रव्यापी CSR अभियान शुरू किया है? तो यह बैंक किसने स्टार्ट किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने, ऑप्शन नंबर आपका डी। जो मास्क और सैनिटाइजर जो है वो, और एक बात, पहला प्रश्न आज का आपका यहीं से निकल कर आ रहा है कि PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक का CEO कौन है, चेयरपर्सन कौन है, यह आपको बताना है। दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक का गठन कब हुआ था? और तीसरा, पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन क्या है? चौथा, पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? एक तो आपको गठन बताना है कब हुआ था, दूसरा चेयरपर्सन कौन है, तीसरा टैगलाइन क्या है, और चौथा मुख्यालय कहां पर है पंजाब नेशनल बैंक का। यह चार चीज आपको कमेंट कर बताना है, यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किसने महाप्रबंधक क्रिकेट संचालन BCCI के पद से इस्तीफा दे दिया है? BCCI के जनरल मैनेजर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनका नाम क्या है? इंडिया के विकेट कीपर रह चुके हैं, क्या नाम है इनका? सावा करीम, ऑप्शन नंबर आपका सी। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और BCCI के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनका नाम क्या है? तो जय शाह, यह भी आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 के लिए वानिक में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री फॉर द ईयर 2019? और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, कानन CS वैरियर, ऑप्शन नंबर आपका सी। और एक बात,
यहां पर तो आप देख पा रहे होंगे यही है आपके कानन सीएस वॉरियर, और यह ना प्रिंसिपल भी है कहां के, तो यह प्रिंसिपल कहां के, वन अनुवंशिक और वृक्ष प्रजनन स्थान के, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में 75 करोड़ रुपए का मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, और यह आप सभी को मैं बता दूं, हरसिमरत कौर बादल जो है इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो मिनिस्टर फॉर फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मंत्रालय इन्हीं के पास है आज के डेट में, और इन्होंने 75 करोड़ रुपए का मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां पर किया है, तो यह किया है आपका मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी। मिजोरम का राजधानी ऐजवाल, वहां के जो मुख्यमंत्री है जोरमथंगा, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लाई, और एक बात, जो चीफ जस्टिस है मिजोरम का नहीं, क्योंकि मिजोरम अपना जो कोर्ट साझा करता है ना वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के साथ जो है वो साझा करता है, यानी जितना भी प्रॉब्लम है ना मिजोरम में उसका सारा सुनवाई कहां पर होता है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में। वहां के चीफ जस्टिस कौन है, तो अजय लंबा, ये भी आपको याद रखना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने परिवर्तनकारी बिजली उत्पादन पर अनुसंधान के नए क्षेत्र में किस देश के साथ सहयोग किया है, यानी किस देश के साथ मिलकर जो इंडिया है वो रिसर्च करेगा किसके ऊपर, थ्रो ट्रांसफॉर्मेशनल पावर जनरेशन के ऊपर, तो अमेरिका के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर आपका बी यूएस। अगला प्रश्न हमारे सामने, करुण वैश्या बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में जो है वो किसे अपॉइंट, किसे नियुक्त किया गया है, करुण वैश्या बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, तो रमेश बाबू बोडू, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। और करुण वैश्या बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय तमिलनाडु में, तमिलनाडु का जो करूर एरिया जगह है ना वहीं पर जो है इसका हेडक्वार्टर है, और करुण वैश्या बैंक का जो एमडी और सीईओ कौन है, तो मैं बता चुका हूं, टैगलाइन क्या है करुण वैश्या बैंक का, तो स्मार्ट वे टू बैंक, क्या है, स्मार्ट वे टू बैंक जो है वो करुण वैश्या बैंक का टैगलाइन है। किस मंत्रालय ने मौसम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, अब ये मौसम जो एप्लीकेशन है यह आपके मौसम की जो है वो लाइव जानकारी देगी, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, और यह लॉन्च किया गया है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और यह मंत्रालय किसके पास है, तो यह मंत्रालय जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने किस राष्ट्र में 300 साल पुराने काली मंदिर के निर्माण का समर्थन किया है, तो बांग्लादेश में, जो आपके सामने फोटो दिखाई दे रहा है ना यह मंदिर 300 साल पुराना है, और इसको दोबारा से अच्छे से बनाने के लिए जो है वो इंडिया ने इसको सपोर्ट किया है, और यह मंदिर कहां पर है काली मां का, तो बांग्लादेश में, याद रखिएगा, और बांग्लादेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो नाटोर में, यह आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा, याद रखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में यह मंदिर है, तो नाटोर में, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना, मुद्रा टाका, और अगर बात करूं वहां का जो राजधानी है वो क्या है आपका ढाका। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने निम्नलिखित देश में से किसको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है, ये कौन है, फोटो में तो देखकर आप सभी समझ गए होंगे, किम जोंग उन है, नॉर्थ कोरिया के, कौन, उत्तर कोरिया के, क्या है ये, प्रेसिडेंट है, और उत्तर कोरिया का राजधानी याद रखना है, और मुद्रा भी आप सभी को याद रखना है। थे आपके करंट अफेयर 29 जुलाई का, इसका सारा का सारा पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ जो है मैं आप सभी को दोपहर में दे दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, हालांकि वेबसाइट खुल रहा है लेकिन लॉगिन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको दोपहर या शाम तक जो है पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आप सभी को अप टू डेट कर दूंगा, और क्लास का टाइमिंग याद है ना, शाम को 4 बजे आपका जीके का क्लास है, वो भी थर्ड क्लास। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है, चलिए।